हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको लेकर आए हैं दाल मखनी की रेसिपी, जिसको हम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल से बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पर दाल मखनी बनाने के लिए हमने ली है 1 कप उड़द दाल। ये उड़द की काली दाल है जिसका छिलका उतारा नहीं है, ये छिलका सहित है। और 1 कप हमने ली है चना दाल। दोनों को मिक्स कर लेंगे और 2 बार अच्छे से इनको धो लेंगे। होटल या रेस्टोरेंट में तो हम सभी ने कई बार दाल मखनी का स्वाद लिया है। आप भी अगर दाल मखनी का रेस्टोरेंट जैसा स्वाद घर पर ही चाहते हो तो हम आपको इसकी आसान रेसिपी बताने जा रहे हैं। इसका स्वाद सभी को उंगलियां चाटने को मजबूर कर देगा। ये इतना टेस्टी बनती है, बस आप मेरे तरह से बनाएं इसको और इसका आनंद उठाएं। तो इसको हमें कर लेना है 2 बार वॉश। और वॉश करने के बाद देखिए, हमने इसको 1 बार वॉश कर लिया है, 1 बार हम इसको और अच्छे से वॉश करेंगे। 2 बार हमें प्रॉपरली इसे वॉश करना है। उसके बाद हम इसको ले लेते हैं एक प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर के अंदर हम इसको डाल देते हैं। तो ये जो दाल है धो ली है, और धोने के बाद अब हम इसको प्रेशर कुकर के अंदर डाल देंगे। और प्रेशर कुकर के अंदर डाल देते हैं, देखिए इस तरह से। और डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे जितना हमने दाल ली है उससे तिगुना पानी डालना है हमें। यानी कि हमने 2 कप दाल ली है तो हमें कप से नाप के 6 कप पानी डालना है। देखिए 3 कप, 4 कप, 5 कप और 6 कप। और ये देखिए हमने 6 कप पानी डाल लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार, जो भी नमक आप जैसा भी टेस्ट खाते हैं उस तरह से डालें। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून, ये देखिए, टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर को हम इसमें डाल देंगे। और डालने के बाद हम इसका ढक्कन बंद करके इसको बॉयल होने के लिए रख देंगे। तो इसे हमें 20 मिनट तक बॉयल करना है। एक कुकर में सीटी आएगी, उसके बाद फिर हम इसको सिम गैस पर 15 मिनट तक पकाएंगे। दाल मखनी का जो क्रीमी टेस्ट होता है वो जिसने भी चखा होगा वो उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता है। तो दाल मखनी रेसिपी अपने में एक बहुत ही यूनिक रेसिपी है, और इस रेसिपी को बनाने में बहुत ही कम समय लगता है। चलिए हम मसाला बनाना शुरू कर लेते हैं। मसाला बनाने के लिए हम एक बड़े साइज का टमाटर ले लेंगे, जिसको हम इस तरह से काट के मिक्सी जार में डालते हैं। और ये अदरक का टुकड़ा है, इसमें से मैं 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालूँगी इसमें। और इसके साथ ही हम लेंगे यहाँ पर 2 हरी मिर्च, ये तेज वाली हरी मिर्च है इसलिए 2 ही डाली हैं, 2 लहसुन की कलियाँ, और साथ में हमने डाल लिया है ये प्याज। इन सबको हम पीसते हैं, और पीसने के बाद हम इसका एक महीन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। पेस्ट तैयार हो गया है बनके, तो हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। इस तरह का देखिए फाइन पेस्ट आपको बनाकर तैयार करना है। इसको हम बाउल में निकाल लेते हैं, ये हमें तड़का लगाने के काम आएगा। अभी दाल का प्रेशर निकल गया है तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। दाल का प्रेशर निकल गया है तो हम इसको देख लेते हैं। वाह, देखिए आप कितनी अच्छी दाल बनकर तैयार हो गई है, बहुत ही अच्छे से घुल गई है ये, और बहुत ही बढ़िया इसकी कंसिस्टेंसी है। देखिए ना ज़्यादा गाढ़ी है और ना ज़्यादा पतली है, हमें इसी तरह से चाहिए होगा। अब हम एक ले लेते हैं ये फ्रेश क्रीम। क्रीम हमने दूध के ऊपर से उतारी हुई मलाई है हमारे पास। अगर आपके पास दूध के ऊपर से उतरी हुई मलाई नहीं है तो आप बाज़ार में जो फ्रेश क्रीम मिलती है उसको ले लें, और साथ में ले लें चॉपेड कोरिएंडर लीव्स। अब हम इसको गरम करते हैं। एक पैन को हम गरम करते हैं, तड़का पैन हो तो आप उसे गरम करिए, नहीं इस तरह से मेरी तरह से फ्राई पैन रख लीजिए। और उसमें हम डालेंगे घी, देसी घी डालें या बटर डालें, जिसमें भी आप दाल को छौंकना चाहते हैं आप उसमें डालें। वैसे दाल मखनी है तो इसमें मक्खन के साथ ही डालना ज़्यादा अच्छा रहता है। इसको हम गरम कर लेंगे, और अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून जीरा। तो जीरा के लिए हम तड़का लेंगे। जब जीरा अच्छे से तड़कने लगेगा तो अब हम इसमें 1 पिंच हींग का डाल देंगे। अब हमने जो पेस्ट तैयार किया है, जिंजर गार्लिक अनियन टोमेटो का जो पेस्ट हमने तैयार किया है, इसको हम इसमें डाल के भूनेंगे।
और इसको हम जब तक भूनेंगे कि इसका सारा पानी सूख जाए और इसमें से बहुत ही अच्छी सी एक खुशबू आ जाए और ये अपना बटर छोड़ दे, यानी कि ये घी को छोड़ देगा, तब तक हमें इसे भूनना है। और अब हम इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को डालने के बाद हम इसमें रेड चिली डाल दें। रेड चिली आप अपने हिसाब से डालें, क्योंकि अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें रेड चिली आप ना डालें, क्योंकि ऑलरेडी हमने पेस्ट में हरी मिर्च डाल रखी है। तो अब हम जो बॉयल दाल है वो इस तड़के में डाल देंगे। और ये देखिए हमारी दाल मखनी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे कि इसमें जो हरा धनिया है वो हरा धनिया हम इसमें डाल देंगे। और ये फ्रेश कोरिएंडर लीव्स हैं जिनको हमने अभी से मार्केट से लिया है और एकदम फ्रेश इनको काटा है और अब हमने इनको इसमें मिला दिया है। तो लगभग एक कटोरी हमने कोरिएंडर लीव्स इसमें डाली है। और अब हम इसमें डाल देंगे फ्रेश मलाई। मलाई को आप इस तरह से मेरी तरह से चम्मच से डाल सकते हैं। और ये बनकर तैयार हो गई है बहुत ही टेस्टी दाल मखनी। तो इसको आज हमने बनाया है राइस के साथ में, यानी कि आज हम इसे चावल के साथ में बनाएंगे। तो सबसे पहले हम दाल मखनी को कटोरी में कर लेते हैं और साथ में हम परोस लेते हैं ये राइस। राइस को मैंने अलग से एक प्रेशर कुकर में बना लिया है और देखिए ये बहुत ही खिले खिले और टेस्टी राइस बनकर तैयार हो गए हैं। इसमें निचोड़ने के लिए नींबू रख लेंगे और साथ में हम ले लेते हैं ये खीरे का सलाद। इसकी जगह आप प्याज का सलाद या हरी मिर्च भी खा सकते हैं अगर आप एक्स्ट्रा चटपटा खाना पसंद करते हैं तो। तो फ्रेंड्स ये हमारी देखिए दाल मखनी बनकर तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे जो भी नई अपडेट आती है वो सबसे पहले आपको मिले।